नमस्कार दोस्तों, बिग बुल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का जो है स्वागत है गाइस। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद। तो गाइस, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कि आपको इस शेयर पे जो है निवेश करना चाहिए नहीं, और जो इस शेयर में आपको आने वाले टाइम में क्या टारगेट देखने को मिलेगा, कहाँ इस शेयर का जो है सपोर्ट बनेगा, कहाँ पर रेजिस्टेंस, सारा हम आपको क्लियर कर देंगे। इस शेयर के जो है फंडामेंटल जो है वो क्या इंडिकेट करें, चार्ट सेटअप जो है वो क्या इंडिकेट करें, टेक्निकल लेवल जो है वो क्या इंडिकेट करें, वो सारा हम आपको क्लियर कर देंगे। और इस शेयर में जो आपको आने वाले टाइम में क्या टारगेट देखने को मिलेंगे वो भी क्लियर कर देंगे। तो गाइज, अगर आप जो इस शेयर में निवेशक हैं, निवेश करने की सोच रहे, तो वीडियो जो एंड तक जरूर देखिएगा गाइज। तो गाइज, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इस शेयर के जो है फंडामेंटल जो है वो क्या इंडिकेट करें, फाइनेंशियल जो है वो क्या इंडिकेट करें, और यहाँ पे जो है क्या मोमेंटम बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक में जो है आज हमें उतनी कोई खास तेज़ी देखने को नहीं मिल रही। एक जो है रेंज बाउंड मोमेंटम जो हमें शेयर में देखने को मिल रहा है, और उतना कोई खास रैली या कोई खास मोमेंटम हमें जो है देखने को नहीं मिल रहा। आप देख सकते हैं पिछले एक हफ्ते में स्टॉक जो है तकरीबन 1% से ज़्यादा उछला, और पिछले एक महीने में 3%। तो मैं आपको यही राय दूंगा और मेरी आपको यही सलाह रहेगी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग जो है बेफिक्र बैठे, कोई भी कमी आपको जो इस शेयर में देखने को नहीं मिलेगी। ये शेयर आपको आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के देगा, और काफ़ी अच्छी रैली जो है इस शेयर में आपको जो है देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में शेयर थोड़ा जो है कंसोलिडेट कर सकता है गाइस, क्योंकि अभी जो है स्टॉक काफ़ी स्ट्रेच आउट हो चुका है। आपको पता है पिछले एक साल के अंदर इसने कितने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स आपको बना के दिए हैं। तो थोड़ा अभी जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक जैसा स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट और थोड़ा जो है यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग फेज़ में जाता हुआ दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अभी भी इसकी इंटैक्ट है गाइस। आपको हम पहले जो है इस शेयर पे बाय कॉल दे चुके हैं। हम आपको कह रहे हैं गाइस, डिफेंस सेक्टर जो है वो ऐसा सेक्टर जिस पे आपको अभी बैट करना है। ऊपर से एनडीए गवर्नमेंट जो है री इलेक्ट हो चुकी है, तो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज आने वाले टाइम में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। हाँ, ज़रूर इस बजट में जो उतना कोई खास जो है डिफेंस बजट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल गवर्नमेंट को डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है बढ़ाना ही पड़ेगा गाइस, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है इन डिफेंस स्टॉक्स को होगा। और ऊपर से आपको पता है इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स कितनी बढ़ रही है, और इंडियन डोमेस्टिक डिफेंस बजट है वो कितना स्ट्रांगली ग्रो हो रहा है। तो मैं आपको यही राय दूंगा और मेरी आपको यही सलाह रहेगी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग जो है बेफिक्र बैठे, कोई भी कमी आपको जो इस शेयर में देखने को नहीं मिलेगी। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ग्रोथ आउटलुक कंपनी का पॉजिटिव है। यहाँ पर आपको जो है 400+ के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर आप इसका जो है फंडामेंटल चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया फंडामेंटल्स है कंपनी के, कोई भी कमी आपको जो है फंडामेंटली कंपनी में देखने को नहीं मिलेगी। फाइनेंशियल चेकआउट कर सकते हैं, क्वार्टरली ग्रोथ जो देख सकते हैं आप कितनी स्ट्रांग है, प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं कितने स्ट्रांग है, और नेटवर्थ आप देख सकते हैं कंपनी के कितने स्ट्रांग है। आने वाले टाइम में ये और स्ट्रांगली ग्रो होंगे। तो मैं आपको यही राय दूंगा और मेरी आपको यही सलाह रहेगी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग जो है बेफिक्र बैठे, कोई भी कमी आपको जो इस शेयर में देखने को नहीं मिलेगी। ये शेयर आपको आने वाले टाइम में जो है 400+ के टारगेट जो है ज़रूर अचीव करके देगा, और इनकी जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है वो भी अभी इंटैक्ट है, और लॉन्ग टर्म रैली अभी भी इन शेयर में जो है बनी रहेगी। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग जो है बेफिक्र के बाइंग करके चलिए, कोई भी कमी ये शेयर में आपको जो है देखने को नहीं मिलेगी। बाकी कोई भी अपडेट आता है स्टॉक से रिलेटेड हम आप तो गाइज, यहाँ पे आपको इसका चार्ट सेटअप समझाता है। तो चार्ट सेटअप आप देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी शानदार बना है, कोई भी कमी आपको जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफा ट्रेंड और एक तरफा रैली शेयर में बनी है, और एक तरफा मोमेंटम बना है, और काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम यहाँ पे बना है। आप देख सकते हैं हल्की गिरावट हमें जो इस शेयर में देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद एक स्ट्रांग रैली और एक स्ट्रांग ट्रेंड हमें देखने को मिला। तो आप लोग जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है बेफिक्र बैठे, और 400+ के टारगेट के लिए बैठे, कोई भी कमी आपको जो है ये शेयर करेगा नहीं, और इस शेयर में आपको अच्छे खासे रिटर्न और एक अच्छी खासी तेज़ी जो है देखने को मिलेगी। तो मैं आपको यही राय दूंगा और मेरी आपको यही सलाह रहेगी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जो बाइंग करके चलिए, और 400+ के टारगेट के लिए बैठिए, ये शेयर आपको बिल्कुल भी जो है डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बाकी कोई भी अपडेट आता है स्टॉक से रिलेटेड हम आपको बता देंगे। तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ आउटलुक कंपनी का पॉजिटिव है। ये शेयर में जो है आपको आने वाले टाइम में काफ़ी तगड़े रिटर्न और काफ़ी तगड़ी रैली जो है देखने को मिलेगी। तो गाइज, मैं आपको यही राय दूंगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल रहेगा, इस शेयर में आप जो है बैठिए, ये शेयर आपको जो है अच्छे खासे रिटर्न जो है फ्यूचर में बना के देगा, और ये शेयर आपको बहुत अच्छे जो है रिटर्न जो है लॉन्ग टर्म में बना के देगा।
तो इस शेयर में आप जो है बैठे है। तो कोई भी अपडेट आता है स्टॉक्स रिलेटेड हम आपको बता देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।